हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग एकदम टकाटक होंगे। और हम लोग भूगोल के अंदर नदी तंत्र को खत्म किया था, और आज जो हमारा भूगोल के अंदर जो है हमारा नया टॉपिक है वह है आपको मिट्टी, यानी कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है, किस मिट्टी में कौन सा फसल होता है, मिट्टी कहते किसको हैं, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना। इन सब चीजों पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मिट्टी कहते किसको हैं, तो भूमि के ऊपर पाए जाने वाले दानेदार परत जो है मिट्टी कहलाती है। मिट्टी कहलाती है मतलब कि जो हमारा धरती है, जो हमारा भूमि है, उसके ऊपर जो दानेदार जो पदार्थ हो जो हमको दिखता है वह क्या है, वह मिट्टी है। समझ गए? तो मिट्टी समझ गए किसको कहते हैं, भूमि के ऊपर दानेदार परत को जो है मिट्टी कहते हैं। अगर हम बात करें कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, आखिर किसी ना किसी चीज से तो बनता होगा, तो भाई किस किस चीज से बनता है मिट्टी, है ना। तो अगर मिट्टी बनने की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो और सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वह है आपको पर्वत के विखंडन से, यानी कि पर्वत जो है टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में जो है बंटते हैं, और उससे किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे और किन कारणों से जो है मिट्टी का निर्माण होता है, तो जीव जंतु के सड़ने गलने से, यानी कि जो पेड़ पौधे जंगल जीव जंतु जो मर जाते हैं, जब मृत अवस्था में हो जाते हैं, तब उनका धीरे धीरे शरीर जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, और कई सौ वर्षों के बाद। ऐसा नहीं है कि यह प्रक्रिया जो है 10 साल 20 साल 5 साल 2 साल के अंदर हो जाएगा, कई सौ वर्षों के बाद जो है उनका डिकम्पोज होते 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 वे किसका रूप ले लेंगे, तो मिट्टी का रूप ले लेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे अगर निर्माण की बात करेंगे तो चट्टान के विखंडन से, जीवों के सड़ने गलने से, और तीसरा जो हमारा फैक्टर है वह है आपको जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन भी जो है मिट्टी निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। समझ गए? अब अगर हम बात करते हैं कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं साइंस पढ़ते हैं, या इतिहास भूगोल ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम लोग, इसको सोशल साइंस SST इन सब शब्दों से इसको हम जानते हैं कि यह विषय है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मिट्टी के अध्ययन को जो है मृदा विज्ञान, क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान, इसको इंग्लिश में जो है पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी कहते हैं। अब देखिए इससे एक चीज से आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे पेडो यानी कि पे से जो है पेड़ हुआ, तो यानी कि जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ उगते हैं वो कहाँ पे उगते हैं भाई, मिट्टी पे उगते हैं, है ना, तो वो जाएगा पेडोलॉजी, यानी कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे कि देखिए कोई भी चीज होता है तो उसके पीछे बहुत सारे मतलब उसको देखने वाले, उसके आंकड़ा जुटाने वाले, है ना, जैसे शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग अलग बना रहता है, हेल्थ वगैरह के लेकर के हेल्थ विभाग अलग बना रहता है, उसी तरह कि भारत की मिट्टियों को समझना, उसका आंकड़ा जुटाना कि भाई कितने प्रकार की हैं, कौन सी मिट्टी वृद्धि कर रही है, कौन सी मिट्टी में जो है कमी हो रही है, किस मिट्टी में कौन सा फसल जो है प्रचुर मात्रा में हो रहा है, कौन सा खनिज प्राप्त मिल रहा है, है ना, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए भारत में जो है एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। वह डिपार्टमेंट क्या है, ICAR, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको शॉर्ट में हम लोग ICAR कहते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है भाई, तो यह मिट्टी से रिलेटेड जानकारी हमें प्रदान करता है, मिट्टी से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनको जो उनका जो है आंकड़ा हमें प्रदान करता है। तो ICAR के द्वारा मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है भाई, तो 8 भागों में बांटा गया है। पहले जो है कम था, 6 हुए, फिर 7 हुए, और फाइनली जो है 1986 में ICAR के द्वारा भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया। अब हम देख लेते हैं भाई कौन कौन सी 8 मिट्टी है, ठीक है। अगर हम 8 मिट्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा आता है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी जो है लाल मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, फिर पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, अगर हम बात करें नेक्स्ट का जो है तो दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी, यानी कि
भारत के मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी। यह जो है हमने ICER के द्वारा 8 भागों में बांटा गया है। अब हम एक एक करके जो है सबको देखेंगे कि भाई जलोढ़ मिट्टी में जो है किस खनिज की मात्रा अधिक रहती है, कौन सा फसल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इस तरह से सभी मिट्टी को अलग अलग तरीके से देखेंगे। उसके बाद हम एक और पॉइंट की बात कर ले कि हमने 8 प्रकार की मिट्टी को तो देखा, अब कौन सा मिट्टी कितना प्रतिशत है, यानी कि भारत में कितने प्रतिशत कौन कौन से मिट्टी पाए जाते हैं। अगर उसका अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है भारत में, जिसका प्रतिशत की बात करेंगे तो 43.40%। दूसरे नंबर पे जो आता है वह है आपका लाल मिट्टी, जिसका प्रतिशत 18.60%। तीसरे नंबर पे जो आता है वह है काली मिट्टी, यानी कि 15.20%। उसके बाद हम बात करेंगे लेटराइट मिट्टी की, तो वह हो जाएगा आपको 3.70%। साथ में अगर और भी मिट्टी का अगर प्रतिशत देखना हो तो देख सकते हैं, जैसे पर्वतीय मिट्टी जो है 5.50% आता है, मरुस्थलीय मिट्टी 4% आता है, ठीक ना। तो यह जो हुआ हमारा क्षेत्रफल के अनुसार हुआ कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी मिट्टी कितने नंबर पे आती है। तो एक नंबर पे कौन आया? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भारत की जो ये 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, भारत की जो ये 8 प्रकार की मिट्टी है उसमें मुख्यतः जो है किन किन तत्वों की कमी रहती है, मतलब अब ऐसे तो मतलब सभी मिट्टी में अलग अलग प्रकार के तत्वों की कमी रहती है, लेकिन अगर हम एज एन एवरेज की बात करेंगे, सबको मिला करके बात करेंगे, तो इसमें जो है आपको 3 तत्वों की कमी होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। 3 तत्व हो गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। तब यहाँ पे एक हमको शब्द मिला ह्यूमस। तो ह्यूमस कहते किसको है यह बात जानना जरूरी है। तो देखिए ह्यूमस जो है एक कार्बनिक पदार्थ है, जिसका निर्माण भाई कैसे होता है? कार्बनिक पदार्थ तो कह दिए, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है? तो अगर हम निर्माण की बात करेंगे तो पेड़ पौधे के सड़ने गलने से जो है ह्यूमस का निर्माण होता है, समझ गए? पेड़ पौधे जीव जंतु के सड़ने गलने से इसका निर्माण होता है। क्लियर हो गया? ह्यूमस समझ गए कि ह्यूमस किसे कहते हैं। अगर इसका रंग की बात किया जाएगा ह्यूमस का, तो यह भूरे रंग का होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं अपने एक पहला जो मिट्टी था हमारा जलोढ़ मिट्टी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो अभी हमने आपको प्रतिशत बताया कि 43.40% है जलोढ़ मिट्टी जो है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी को जो है दोमट मिट्टी तथा कछारी मिट्टी भी कहते हैं। अब देखिए यानी कि जलोढ़ मिट्टी का ही दो और नाम हो गया, कौन कौन? तो दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी। हम लोग का आपका भी जो है सबका नाम जो है एक नाम, दो नाम, तीन नाम रहता है, घर का नाम अलग, ऑफिशियली नेम अलग, है ना। उसके बाद जो हमारे बचपन के दोस्त रहते हैं उनका एक स्पेशल नाम दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसी तरह से जलोढ़ मिट्टी को किन किन नामों से जानते हैं, तो एक दोमट मिट्टी और दूसरा जो है कछारी मिट्टी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जरूरी नहीं है कि जलोढ़ मिट्टी ही दे, आपको दोमट मिट्टी भी दे सकता है, कछारी मिट्टी भी दे सकता है। तो समझ गया कि जलोढ़ मिट्टी को किन किन नामों से जानते हैं, तो दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी। प्रतिशत की बात करेंगे तो 43.40% जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब बात करते हैं भाई कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम जलोढ़ की बात करेंगे तो जलोढ़ 2 प्रकार का होता है, एक बांगर, दूसरा खादर। बांगर को हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं और खादर को हम लोग नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो भाई बांगर मिट्टी तो एक गो है, लेकिन भाई मिट्टी में दू का बन कैसे गया, सबसे बड़ा बात। तो जिधर से, तो इसको जानने से पहले हम लोगों को पहले जलोढ़ मिट्टी का डिफिनेशन जानना पड़ेगा कि अगर जलोढ़ मिट्टी, भाई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, उसको जान जाएंगे लोग, क्लियर हो जाएगा या दोनों। तो आइए पहले हम लोग जलोढ़ मिट्टी को देख लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो नदियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से अपरदित पदार्थों को मैदानी भागों में बिछा देती है, यानी कि जब नदी चलती है तो आपको बताए थे कि नदी जो है अपने साथ बहुत सारे अपरदित पदार्थ को लेकर के चली जाती है। इसका डिटेल में चर्चा हमने नदी तंत्र में किया है ना। तो जब नदी
जैसे जैसे उसका वेग कम होता है तो दोनों तरफ जो है अपने अंदर का अपरदित पदार्थ जो जो रहते हैं उसको दोनों साइड बाएं दाएं किनारे पे फेंकते जाती है। वही कह रहा है कि नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों को मैदानी भागों में बिछा दिया जाता है। क्लियर है? तो वह जो मिट्टी होगा वह कौन सा मिट्टी कहलाएगा? जलोढ़ मिट्टी कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने आपको अभी प्रकार बताया दो प्रकार, बांगर और खादर। ठीक है, तो बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? तो भाई वैसा क्षेत्र जहां से पहले नदियां गुजरती थी और मिट्टी को बिछाती थी, लेकिन वर्तमान समय में जो है 5 साल से 10 साल से जो है नहीं बिछा पा रही है, नदियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए जो है वहां की भूमि जो है क्या हो गई है, वहां की भूमि जो है बांगर हो गई है। ठीक है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी। और खादर जो कि खादर की अगर बात करेंगे तो खादर जो है आपको वहां से प्रत्येक वर्ष जो है नदियां अपरदित पदार्थों को दोनों तरफ बिछाते हुए चली जा रही है, तो उधर की भूमि क्या है? उपजाऊ भूमि है, और वे कहलाएंगे खादर या नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिए। अगर हम आगे की बात करेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट है कि वह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह क्या है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी कि फसल के लिए सबसे उत्तम क्वालिटी का जो मिट्टी होता है वह कौन होता है? जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, अगर हम प्रचुरता की बात करेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में जो है कौन कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें आ जाएंगे आपके पोटाश, कैल्शियम, चूना और पोटेशियम, यानी कि चार तत्वों की जो है प्रचुरता रहती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन कौन हो जाएगा? पोटाश, कैल्शियम, चूना और पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद अगर हम कमी की बात करेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ह्यूमस अभी हमने आपको बताया किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी कमी। अब अगर हम उत्तम फसल की बात कर लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में जो है कौन कौन सा फसल सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो हो जाएगा आपका धान, गेहूं, तिलहन, गन्ना, दलहन और आलू। ये सब महत्वपूर्ण फसल हो गए जलोढ़ मिट्टी के। अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे तो विशाल मैदान, उसके बाद नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद केरल के तटवर्ती मैदान में भी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे विशाल मैदान कहने का मतलब है कि जो गंगा का जो क्षेत्र है, गंगा का जो मैदान है उसे हम लोग विशाल मैदान भी कहते हैं। इसलिए तो यहाँ पे हमने देखा जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड जितने भी अभी हमने जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड जितने भी तथ्य थे उसको देखे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स था उसको हमने आपको बताया। और अगला जो हमारा मिट्टी है वह है काली मिट्टी। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगर अभी तक आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।